बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह आप लोग को खुश रखे, हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। तो चलिए आज अम्मी और खाला मिलके बनाएंगी हरी मिर्ची का अचार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, जो दाल चावल के साथ भी हम खा सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मल दाल चावल है, उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है ये अचार। तो आप लोग देखिए मेरे साथ कितना बढ़िया ये अचार बनता है। चिली हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो है मैं सोए को काट ली हूँ और इसमें मैं मंगरेला, अजवाइन, जीरा, हरी धनिया, लहसुन और ये सब बस मैंने खड़े मसाले काट लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और नमक डाली हूँ इसमें मैं, और ये देखिए ये मैं इसको भर भर के रख रही हूँ। देखिए इसको मैं भर के रख रही हूँ, ये देखिए ऐसे इसको भरेंगे, ये देखिए। ये देखिए इस तरीके से हम इसको भर लेंगे, ये देखिए इतना मैं भर के रख दी थी पहले ही, थोड़ी जल्दी में थी फ्रेंड्स में, तो इसलिए जो है तो मैं पहले ही भर के रख दी थी। ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे भर देंगे इसको। ये बहुत ही टेस्टी अचार बनता है, इसको हम दाल चावल के साथ खाएंगे, रोटी के साथ खाएंगे, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इसको। तो देखिए इस तरीके से मैं सारा भर लूँगी। और ये देखिए ये हमारी खाला, खाला सलाम करिए। वालेकुम सलाम। और ये देखिए यहाँ पे जो है गरम गरम मेथी का पराठा बन रहा है। मैं किसी दिन फ्रेंड्स इसको आपकी रेसिपी डालूँगी, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ पे हमारा एक पराठा बन के जो है रेडी है एकदम। और ये देखिए ये अम्मी, अम्मी सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लहसुन छील लिया आप? ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लहसुन जो है ये छिलके रख रही हैं। और ये घर में अभी सफाई करना बाकी है और यहाँ पे मशीन लग चुकी है, कपड़े धुलने जा रहे हैं मेरे। अब बस मैं अब थोड़ी देर में मशीन लगाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे जो है मैं मिर्ची को एकदम भर दी हूँ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसमें मैं तेल डाल के इसको कढ़ाई में अब पकाऊँगी। बहुत ही बढ़िया ये मिर्ची का अचार बनता है, इसको हम फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। देख रहे हैं आप लोग कितना बढ़िया ये हुआ है। तो चलिए ये देखिए खाला अब इसमें तेल डालेंगी। खाला तेल डालिए, ये देखिए इस तरीके से हम इसमें तेल डालेंगे। देखिए अब ये तेल हमारा इसमें जा चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम ढक देंगे और कुछ देर अब इसको हम फ्राई करेंगे हल्का हल्का, धीमी धीमी आंच पे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये पक रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दी थी मैं। और ये हमें सिखाए हैं खाला ने, बनाना सिखाया हमें। हाँ ये अपने घर पे बनाती हैं तो ये मुझे आज सिखा रही हैं। और ये एक तरफ हमारा मेथी का पराठा। और ये देखिए फ्रेंड्स जब तक हमारी मिर्ची जो है फ्राई हो रही है, और ये देखिए मैं आज मैं समायरा के लिए कुर्ती लेके आई, डेली वेयर का जो घर में हम पहनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बढ़िया बढ़िया है, दिखाओ समायरा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, हमारे पास में से मार्केट से हम लेके आए हैं। और ये देखिए ये है दुपट्टा, अभी शादी की शॉपिंग्स बाकी है, ये तो मैं डेली वेयर के कपड़े लाई हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइटम दबाना नहीं भूलिएगा। बेल की जो घंटी होती है फ्रेंड्स उसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं मिर्ची का क्या हाल है। तो अम्मी यहाँ पे बैठ के पराठा खा रही हैं और पता नहीं किस सोच में पड़ी हैं, अम्मी कुछ सोच रही हैं। तो
चलो देखते हैं मिर्ची का क्या हाल हो रहा है, मिर्ची के देख के आते हैं। तो चलो देखते हैं। अब देखिए ये देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो रहा है, तेल छोड़ दिया है हमारी मिर्ची जो है। खाला चेक करेंगी, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं इनसे हमें सीखना चाहिए, बहुत ही अच्छा चाहिए बनाते हैं, हमको हर चीज़ अच्छा सिखाते हैं फ्रेंड्स। और ऐसे टाइम पे मुझे अपनी मम्मी जो मेरी सास हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, 2 साल हो गए, ये सब चीज़ देखो तो फिर उनकी याद आ जाती है, क्योंकि वो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बनाती थी और बहुत अच्छा बनाती थी। और ख़ास करके मैं शादी में बहुत ज़्यादा उनको मिस करूँगी, क्योंकि वो गीत है, जगह जगह पे रस्म थे, हर चीज़ उनको आता था, हर चीज़ गाना, हर चीज़ का शौक़ था उनको फ्रेंड्स। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी ऐसे टाइम पे, क्योंकि मेरे भी बेटे की शादी है, उनको बहुत अच्छा अच्छा बनाने आता था फ्रेंड्स, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा वो बनाती थी, उनको बहुत शौक़ भी था, हमें सिखाती भी थी वो, शायद आज रहती तो हमको बहुत कुछ सीखने मिलता। तो ये बड़े बुजुर्ग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, हमें उनसे हर चीज़ सीखनी चाहिए। तो खाला ये अभी हो चुका है? हाँ हो चुका है, थोड़ा सा और होगा जी, तो थोड़ा सा और होगा, ये खाला बोल रही है। नहीं कल के तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मेरा दरवाज़ा जो है धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है यहाँ पे, ये मेरे घर का एंट्रेंस है, क्योंकि आज जो गली के जो कुत्ते हैं वो मेरा दरवाज़ा एकदम गंदा करके चले गए हैं। और ये देखिए ये पूरा सफाई हो रहा है, समायरा जो है तो सफाई कर रही हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया सफाई हो रही है।